हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आई हुई है, और ये जो वैकेंसी आई है वो राउरकेला स्टील प्लांट के लिए आई है। अगर आपने 10th किया है, ITI किया है, डिप्लोमा किया है, BTech किया है, या सिंपल ग्रेजुएशन आपने किया है, तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक एक करके मैं आप लोगों को इस वीडियो में कौन कौन सा पोजीशन के लिए वैकेंसी आई उसके बारे में बताऊंगा। जो सबसे पहला पोजीशन है वो है जूनियर मैनेजर सेफ्टी, इसके लिए टोटल 6 सीट्स है, और इसका जो पे स्केल है फ्रेंड्स वो है 20,600 से लेकर 46,500 रुपये तक। अगर हम लोग इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए कंपनी ने मांगा है बी या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में। तो आपने इंजीनियरिंग किया है, किसी भी स्ट्रीम किया है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने PG डिप्लोमा किया है इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 31 जुलाई लास्ट डेट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अगला जो पोजीशन है वो है बॉयलर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इसके लिए टोटल 7 सीट खाली है। इसके लिए कंपनी ने मांगा डिप्लोमा। तो अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया है, तो आप इस बॉयलर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका जो पे स्केल है वो है 16,800 से लेकर 24,110 रुपए तक। अगला जो पोजीशन है वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इसके लिए टोटल 47 सीट्स अवेलेबल है। इसके लिए कंपनी ने डिप्लोमा मांगा है। तो आपने अगर मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया है, तो आप इस ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारे पोजीशन जो है उसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 31 जुलाई। अगला जो पोजीशन है वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इसके लिए कंपनी ने मांगा है ITI इन द ट्रेड ऑफ फिटर। तो अगर आपने फिटर में ITI किया है या 10th किया है या ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला जो पोजीशन है वो है जूनियर मैनेजर क्वालिटी टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक, इसके लिए कंपनी ने मांगा है इंजीनियरिंग। तो अगर आपने मेटलर्जी में BE/BTech किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला जो पोजीशन है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्नीशियन, इसके लिए टोटल 6 पोजीशन है। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, इसके लिए टोटल 6 पोजीशन है। इसके लिए कंपनी ने मांगा है फायर इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक और पोजीशन है जो कि है DY मैनेजर बॉयलर एंड टर्बाइन ऑपरेशन, इसके लिए कंपनी ने मैकेनिकल इंजीनियर मांगा है, लेकिन इसके लिए आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो पे स्केल है वो है 32,900 से लेकर 58,000 रुपये तक इसका पे स्केल है। अगर लास्ट डेट की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट डेट है 31 जुलाई का। दूसरी बात, अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो सिलेक्शन पोजीशन में होने वाला है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो 80 क्वेश्चन होंगे वो होंगे टेक्निकल क्वेश्चन, बाकी के 20 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है इन सारे पोजीशन के लिए। मैं आप लोगों को जो सेल का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है और जो अप्लाई करने का लिंक है, दोनों का ही लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अगर आप सेल को ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दी, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।